हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई, दो दिन से व्लॉग नहीं आया। इसके पीछे एक रीजन था कि मैं हिसार नहीं था और मैं किसी काम से बिजी चल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा। बट मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब मैं हिसार जाने लग रहा हूँ। आज थर्सडे है और अभी क्या टाइम हुआ है भाई, 1 बज गया दोपहर का। तो भाई 1 बजे है और अब मैं इस टाइम एग्जैक्ट मैं पंचकुला हूँ मेरी मौसी जी के घर पे। और अब मैं कल ही आया हुआ था चंडीगढ़ अकेला। अब मैं हिसार जाऊँगा और देखो मैं एक ये दिखाता हूँ, ये वाइट रोज मौसी जी और के लगे हुए थे, अच्छे लगे ना। चलो चलते हैं फिर और मिलते हैं आपको। अगर रास्ते में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज हुई तो मैं आपको रास्ते में मिल जाऊंगा, नहीं फिर भाई अपने घर होते हैं। मतलब मैं दनोदा पहुंच गया हूँ। दनोदा मतलब नरवाना से बरवाना जाते हैं तो बीच में दनोदा गांव आते हैं, वहां पहुंच गया। और मुझे ना सही में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। 2:40 हो गए हैं, मतलब नींद तो क्या, मुझे सुस्ती सी फील हो रही थी। तो फिर भाई मेरे को और कोई जगह मिली नहीं। फिर दनोदा से जैसे बाईपास जाना होता है, पर मैं अंदर से चला गया। फिर मैं अपने लिए आया अपनी रेडबुल, एक पी ली है और एक अब और पीऊंगा, तब जाके मतलब अब सुस्ती सी हटी है मेरी। और रास्ता सही चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। बस बात ये थी कि ना सुस्ती सी हो गई थी थोड़ी ज्यादा, तो फिर इसलिए फिर मेरे को ये लेनी पड़ी भाई, और एक पी ली है और वो पी के इतना मजा आ गया, बढ़िया फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। और एक बात याद आ गई मेरे को कि मम्मी ने एक बार पी थी और मानू ने पी थी। देखो भाई, जो जो रेडबुल लगातार मतलब पीते है ना, तो उनको तो टेस्ट का मतलब इसका टेस्ट जो है वो पता ही है कैसा है, ठीक है। बट जो शुरू शुरू में पीते हैं उनको ऐसा लगता है कि कफ सिरप है। तो मानू ने पिया, मानू ने शौक शौक में ले लिया कि भाई मैं भी पीऊंगी। और फिर उसने पी वो, और पीने के बाद कहती मैं नहीं पीती, सिर्फ एक घूट ली थी उसने, कहते तो कफ सिरप है। ये देख लो भाई, उकलाना मोड पे पहुंच चुका हूं मैं। ये देखो हीरा, यहाँ से मुझे अब लेफ्ट लेना है हिसार के लिए, और हिसार रह गए सिर्फ 49। तो बस चलो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं। आप सरप्राइज था, ये सरप्राइज है। कन्नू आया है, अरे था वैसे भी मिलने थे भैया को। ओह कैमरा मैन, बस तो बिना बोले कैप्चर करने का मजा है। तो भी है ना गेट पर ऐसे देख रहे ऐसे कार लगा के कि दस आवाज बैठ देखे। मैडम क्यूरी, तुम्हें मिलने इसका पास हमने जन्नत में। अभी देखा थोर मेरे को इतना प्यार कर रहा था, उसके बाद मैं सो गया था और अभी उठा हूँ मैं। और उसते ही हमें सबसे पहले तो ये मैडम दिखी है। ये मैडम ऊपर बैठे हुए है, ये मैडम हाथ में झाड़ू ले रही है, और थोर तो मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रहा भाई। थोर खेल रहा है मेरे पास, आ रहा है 2-2 मिनट में, मतलब कि मेरे से दूर नहीं जा रहा। इसको यूं है कि मैं कहीं चला ना जाऊं वापस, तो ये फिर मेरे पास आके मेरे पास ही बैठ रहा है। सरप्राइज दिया दत्ते, हाँ शाबाश थोरू, शाबाश। देख लिया आज आप लोगों ने, थोर मेरी हर बात मानता है। मैंने मान कह तू जा, आया भाग कर इसके मारे 2 पंजा धक्का कि जा रहा तू, ठीक है थोर बैठ जा, चल अब तू थोरू इसे पका आ जा, चल चल बस 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 बना दिया, बस आ गया थोरू। डस्ट कलेक्टर लेके चढ़ गया, ये मम्मी मारेगी बेटे तेरे, मम्मी मारेगी अब तो। हमने मैं KFC का चिकन लेके आया था मानू के लिए, कि मानू कह रही थी मेरे को खाना, फिर वो कहती कि नहीं मैं तो नॉन वेज छोड़ दिया खाना, वैसे खाती भी नहीं थी, एक बार खाया था इसने ट्राई करा था। तो फिर भाई ये चिकन लाया था मैं स्ट्रिप्स, तो मैंने कहा कि अब क्या करें, तो मानू कहती थोर को खिला देंगे, इसके ऊपर वाली परत उतार के अंदर की थोर को खिला दिए। ये देखना थोर भी पूरा वो है, शौकीन है भाई। देखो भाई, थोर को हम ना ऐसे इसके पीस नहीं खिला रहे, मतलब कि जो ऊपर वाली परत होती है ना वो उतार के जो अंदर का पीस है ना सिर्फ वो खिला रहे हैं, ताकि क्योंकि थोर को हम कोई मसाला और मिर्च वगैरह नमक नमक कुछ नहीं देते, ठीक है। तो
इसलिए ये देखिए ऊपर ऊपर की परत ये मान उतार रही है और जो अंदर की है ना प्योर मीट वो खिला रहे इसको। ले खा ले थोरू, खा ले बेटे, खिलाइए मानो। हाँ आज तो थोरू की पार्टी होगी, नोजी मारी है ना मेरे मुंह पे, याद रखियो। थोरू की तो पार्टी होगी आज। और हेला तुझे नहीं खाना, खा ले चिकन लेके आया हूँ मैं, आ जा जल्दी, दिखा मेरे को, दिखा मैं खिलाता हूँ, देखते खाएगी या नहीं खाएगी वो। थोरू हेला आजा देख, इसको पता चल गया, बुला रहे, चला ऊपर मानु, पीस थोड़ा देख के दियो, इसमें मसाला है, साफ सुथरा करके दे, साफ सुथरा तोड़ के मुंह में चटवा के वाह, थोड़ा सा दे दे इसको, इतना लंबा नहीं, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, सारा ही खा जाएगी अब सारा। ओ इसको ऐसे ही बेड पे क्यों रख रही है फिर, मुंह ऐसे अच्छा नहीं लगे यार, इसके बर्तन में दे। हेला इधर थोड़ी, तू चाट के दे, थोड़ी ले गया भाई, थोड़ी ले गया, चलो इनको खिला दे भाई। और ऐसे बेड पे मत रख मानू, मम्मी गुस्सा करेगी, इसको बर्तन में डाल के दे, पसंद नहीं आया जा फिर बेटी वहां बैठ जा, तो मसाला है ना उसमें, तू बैठ जा। चलो भाई मैं एक बार जाया तो मेरे को और शुभम को जाना है, तो थोड़े चावल लेके आने, वो लेके आते हैं पूरे चावल लेके आने, तो वो ले आते हैं भाई। भाई अमरूद खा लेते हैं, बात क्या है, मैं अभी बात मैं आया ना तो मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी बना रही थी दाल, पर मैंने कहा मम्मी की ना व्हाइट छोले और क्या, हाँ व्हाइट चने और राइस बना दो, तो मम्मी किसी काम से बाहर गई है, तो व्हाइट चने चनों को पहले यहाँ पे ये बॉयल करने के लिए रख दिया, और फिर चावल मैं ले आता हूँ, फिर चावल खाएंगे। तो भूख इतनी तेज लग रही थी तो मैं थोड़े से ही खा लेता हूँ फ्रूट यार हमें पूरा ही खा लेते, चलो चलो। तो भाई वो रहा शुभम, वो लेने पूछ रहा है, फोन करके पूछ रहा है कि कहाँ पे वो, मतलब हमारे चावल आने थे, मनोज अंकल ने भेजे हैं, तो मतलब थोड़ी क्वांटिटी नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में आने हैं ना, तो 25 किलो का है शायद कट्टा, पता नहीं कितने का, तो पूछ रहा है कि कौन सी शॉप है, हमें पता नहीं ना कौन सी शॉप है, तो यही है शॉप मिल गया, यही है शॉप, ये ले गया। लो भाई शुभम आ गए चावल अपने, ये रे भाई चावल, लाइट ऑन करो, दिखेगा मन तो नहीं लगता दिखा, ये रे भाई ये रे चावल आगे, चलो अपने घर चला वहाँ से। लो भाई हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे 14 सेक्टर, तो 14 सेक्टर में शेरविन रहता है, तो शेरविन के पास आ गए हैं मिलने, और साथ में ये अंकल बर्गर बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो मैं कहा शुभम को आज बर्गर खवा देते हैं, तो कह दिया ऑर्डर तो दे दिया बर्गर का, अभी वेट कर रहे हैं कब तक बनेगा फिर खाएंगे। मैं अभी बाहर से आया हूँ मैं और शुभम, और वो चावल ले आए, देखो ये पड़े चावल 25 किलो का कट्टा मंगाया हूँ मेरे चावलों का, क्योंकि हम चावल खाते हैं, हमें पसंद है चावल और राजमा और दाल मखनी और चने जो अभी बन रहे हैं, और ये देखो हेला को मैंने पिछले 5 मिनट से ऐसे ही लिटाया, और ये ऐसी लेटी ये भी नहीं ना, बिल्ली है ना ऐसे लेटती नहीं बिल्कुल, मतलब वो अपने ही हिसाब से रहती है, बट इसको हम पे इतना भरोसा है कि ये तब से वैसे की वैसी लेटी है, देख ना। हेला हेलो बेटा इधर देख, उधर देख भी रही है। हेला बिट्टू मेरा थोड़ी क्या करे, दिखाइयो वो पापा मम्मी की मदद कर रहे तुम्हारा स्टे अरे खा रही चलो भाई अब खाना खा लूंगा मैं, मतलब खाना खा लेते हैं क्योंकि मम्मी ने मेरे फेवरेट चीज बनाई है। हाँ इसको हर जगह आना भाई, इसको हर जगह आना, आपको पता है हमने थोर को KFC का चिकन खिला दिया, मम्मी थोर को चिकन खिला दिया हमने, पर ऊपर से सारी परत उतार के जो अंदर का साफ था वो खिलाया, तभी मना इसके अंदर नहीं हुआ यार, मानो मेरे को बता दिया
हाँ पनीर के साथ चावल मिलेंगे बस इसको। हम सारे शेरशाह मूवी देख रहे हैं और ये दोनों बेटा सो रहे हैं। मैंने और कन्नू ने पहले एक बार देख रखी है हमारी सेकंड टाइम। हाँ बहुत अच्छी मूवी है भाई, आप लोग भी जरूर देखना। चलो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ इजाजत दो भाई, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।